देवा फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता पूर्ण राखेन। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्र राज्य को ये शोभा भी नहीं देता। और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं। और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए। और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कौन सा भी कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालने को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है।